Hello everyone, welcome back to an official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Deepali and now I am going to anticipate some of the predictions related to IELTS exam which is going to held on 18th of November. जो 18 नवंबर में होने वाला IELTS exam है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो एग्जाम है वो स्पेशली अकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें सिर्फ अकेडमिक स्टूडेंट्स ही एप्लीकेबल है एग्जाम देने के लिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू कम इन ऑल द थ्री मॉड्यूल्स दैट इज लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में, बट उसके पहले अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम डिस्कस करते हैं लिसनिंग के बारे में। तो लिसनिंग में एज एक्सपेक्टेड कि 4 सेक्शंस होंगे एंड इन योर फर्स्ट सेक्शन देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ब्लैंक्स और शॉर्ट एमसीक्यूज। अब वहां पे ब्लैंक्स और शॉर्ट एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, और अगर हम सेक्शन 2 पे मूव करते हैं सो देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैप्स। यस, this time there is a chance that you will get a map. आपको map आ सकता है section 2 में। And as far as section 3 is concerned, then as expected वहाँ पे long MCQs ही रहेंगे। And in section 4, lastly section 4 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ blanks रहेंगे। And yes, there are chances that you can get questions based on choose the correct alphabet. उसके ऊपर आपके questions हो सकते हैं। Overall scenario देखा जाए तो that will be easy. इजी रहेगी लिसनिंग आपकी। और अब हम बढ़ते हैं रीडिंग मॉड्यूल की तरफ। जैसे कि पता है रीडिंग में 3 पैसेज हैं। इन योर फर्स्ट पैसेज ब्लैंक्स आ सकते हैं, ब्लैंक्स मे बी ऑफ समरी। तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे ब्लैंक्स आ सकते हैं, ब्लैंक्स के साथ साथ ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू पैसेज 2, अगर हम पैसेज 2 पे बात करते हैं तो देयर आर चांसेस दैट यू कैन गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। इस बार लिस्ट ऑफ हेडिंग्स या फिर Which paragraph contains the following information वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके बिल्कुल कॉम्बिनेशन में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको मैचिंग करनी होगी, जहां पे पर्सन्स मैच करने होते हैं। एंड नाउ मूविंग टू सेक्शन 3, अगर हम सेक्शन 3 यानी कि पैसेज 3 की बात करते हैं तो पैसेज 3 में देयर आर चांसेस दैट यू कैन गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एमसीक्यूज होंगे और इसके साथ ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन या फिर yes, no, not given हो सकते हैं along with some of the blanks which is of summary type हो सकते हैं। और जो इसका content है, one content जो होगा वो arts के perspective से होगा, second content science के perspective से और third content business या commerce के perspective से होगा। So now moving to writing module, writing में बात करते हैं writing के बारे में। तो task 1 जो है वो आ सकता है line, बार के अलावा पाई आ सकता है आपको, यानी कि पिक्चर और डेटा रिप्रेजेंटिंग कोई भी चार्ट आ सकते हैं आपको। और टास्क 2 की अगर हम बात करें तो 2 टाइप ऑफ चांसेस हैं क्वेश्चंस जो आपको आ सकते हैं। फर्स्ट इज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सेकंड वन इज ऑफ डिस्कस बोथ व्यूज, या फिर एक मिसलेनियस टॉपिक है जो कि आपके ओपिनियन बेस्ड हो सकता है व्हिच इज ऑफ डायरेक्ट टाइप। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर वेल बिफोर योर एग्जाम। First one is health, second one is education, third environment, fourth child labor, fifth is based on social values, and there is one miscellaneous topic as expected. जो एक miscellaneous topic है जो आपको cover करना है वो है आपका parents and children इनके ऊपर। So all the very best for your exam, and if you have any query then you can comment it in comment section. Thank you.